क्या है इस बार का चुनाव? रोजगार, बेरोजगारी इस पे होगी। विकास कितना हुआ और आई का? आप तो देख ही रहे हैं, एक बार भी तो नहीं आए यहाँ संसद, उन 10 साल से जाने भी नहीं। आज तो देखे नहीं अजय निशा जी कैसे हैं? नहीं है 10 साल वो तो पूरा दिख रहा है, एक भी विकास नहीं है। हम लोग तो सांसद के कभी देखे भी नहीं है कि कैसे अजय निशा है। और आई में तो कहवे किया है, कुछ विकास नहीं होता है। विकास तो इतना हुआ जो सारा जनता देख रहे हैं, हम लोग तो बेसहारा, सहारा के लेकर के बेसहारा कर दिए हुए। फोटो कहीं बता दो ना, कहीं फोटो जो कौन सा है अजय निषादा, कौन है? नाम सिर्फ जानते हैं, चेहरा से आज तक हम लोग जानबो नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग के गांव में बढ़िया से गहूँ दह गया, उसको जर्सीमन दे सरकार। अच्छा, हाँ यही चाहते हैं। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, ऐसे में आज हम तमाम मुद्दों को जानने पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के औराई प्रखंड में, जहां की आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी हम औराई प्रखंड के एक हाट पे मौजूद है, जहां बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि औराई में और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी के जो है वह सांसद रहे हैं, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ इस बार की लोगों की परेशानी है और क्या कुछ सोच के लोग जो है इस बार वोट करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, पहले कुछ युवा है, हम बात करेंगे उनसे। इस बार क्या चुनाव आ गया है? इस बार का चुनाव रोजगार, बेरोजगारी इस पे होगी। विकास कितना हुआ और आई का? ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं, एक बार भी तो नहीं आए यहाँ संसद, उन 10 साल से जाने भी नहीं। आज तक देखे नहीं अजय निशा जी कैसे हैं? नहीं है 10 सालों से, 10 साल से वो, आज तक तो उनको हम देखे भी नहीं है। और आप देख ही सकते हो रोड की हालत, लगातार लोग कहता है कि यहाँ पे विकास हुआ है, सड़क बना है। तो आप यहाँ पे आए हो ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, आपको पता होगा। देखिए आप रोड की हालत, देखिए रोड की हालत, देखिए कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। तो क्या इस बार बदलाव? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, बिल्कुल इस बार की बदलाव होगा। अजय निषाद जो वर्तमान सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है, अब दूसरे को दिया गया है टिकट, उसके जगह पर निषाद समाज के लोग को दिया गया है टिकट। तो क्या लगता है, वो भी बाहरी है? लोग का कहना है कि बाहरी है। जी नहीं, इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी जी, नहीं इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। युवाओं का कहना है कि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और भी युवा है, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है और आई में? वो तो पूरा दिख रहा है, एक भी विकास नहीं है। हम लोग तो सांसद के कभी देखे भी नहीं है कि कैसे अजय निषाद है। 10 सालों से है वो आपके सांसद और कभी देखे भी नहीं है, उनका पिक्चर भी नहीं देखे है। ऐसे भी है, इस बार हम लोग महागठबंधन का वोट करेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस की आ रही सीट उनको ही वोट देंगे, बीजेपी को तो चाहे थोड़ा भी वोट नहीं है। जरूरी है, मतलब बदलाव, बिल्कुल बदलाव जरूरी है। वो 5 किलो देकर हम लोगों को ये कर रहा है, गुमराह कर रहा है साला, वो उसके अंदर में आ जाएंगे। अच्छा, वो 5 किलो नहीं चाहिए, 5 किलो हमको नहीं। मैं चाहिए, खुद 10 किलो देने के लायक हूँ। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, बिल्कुल। ये सब वोट करेगा युवा? बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम पर वो तो है नहीं। ओनली मंदिर मस्जिद के फेरा में लगाकर हिंदू मुस्लिम करता है बीजेपी, और कुछ नहीं है। जातिवाद हर समय हावी रहता है चुनाव में, एनी टाइम हिंदू मुस्लिम करके ही बीजेपी का सरकार बनता है। जातिवाद तो क्या, कहाँ तक जायज लगता है? जातिवाद करके नेता जो है वो अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं, युवा का जो समस्या है वही क्या वही रह जाता है, वहीं पे रही जाता है, आगे तो कुछ होता नहीं है। इस बार जातिवाद नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल विकास पे काम होगा, विकास पर वोट गिरेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ है और आई में? और आई में तो कहवे किया है, कुछ विकास नहीं होता है। 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। हाँ, और कहते हैं कि हमने विकास किया, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो रास्ता का हालत जो है वह जर्जर है, काफ़ी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ा। हाँ, तो क्या लगता है, इस बार बदलाव आप लोग करेंगे या फिर वही सांसद रहेगा? बदलाव तो होना ही है, करेंगे। हाँ, हमेशा जो है राजनीति पार्टी जो है जातिवाद करके जो है चुनाव लड़ती है और चली जाती है। तो कहाँ तक जायज लगता है, विकास नहीं हो पाता? जीत के चला जाती है, एको में नहीं आती है घूम के, क्या खबर है, नहीं है कुछ, नहीं आते हैं देखने यहां। इस बार सांसद बदलिएगा आप लोग। सांसद बदलेंगे, बदलाव की उम्मीद है। औराई प्रखंड में है हम अभी, और भी लोग हैं हमसे, कितना औराई में इस बार विकास हुआ है? 10 साल से सांसद है बीजेपी के, नहीं बात करेंगे, और भी काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के औराई प्रखंड में है, जहाँ की काफ़ी सारे लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी समस्या है, क्या कुछ इनका मुद्दा है और क्या चाहते हैं सांसद से। कितना विकास हुआ है औराई में? विकास तो इतना हुआ जो सारा जनता देख रहे हैं, हम लोग तो बेसहारा, सहारा के लेकर के बेसहारा कर दिए हुए हैं, क्योंकि अमित शाह जी बोले कि जैसे सहारा का लॉन्च हो रहा है उसमें आप लोग जैसे ऑनलाइन कीजिए, हम लोग बेसहारा है, गरीब आदमी जैसे 5-5 रुपया करके जमा किए थे, आज तक हम लोग को सहारा का कोई फंड नहीं मिला।
सारा पैसा मेरा डूब गया, तो हम लोग किस सरकार को देखेंगे, सब तो यही सोच रहे हैं। आजादी के बाद आज तक आप लोगों को पुल नहीं मिला? नहीं, एकदम जैसे देखिए रोड रास्ता कैसा है, यहाँ रतवारा से लेकर रामनगर जाने के लिए कैसा खंडर रोड है, उसमें हम लोग क्या करें, बाढ़ का एरिया है, बारिश के समय में इतना तकलीफ होता है, आप लोग खुद देखिए। तो विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं है, विकास क्या चाहता है, क्या चाहते हैं और आई का जनता चाहते हैं कि मान के विकास हो, हम लोग उसको देखेंगे, अभी तो समय है ना चुनाव का, उस समय देखेंगे। मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, एकदम बदलाव। बीजेपी तो एकदम ठग लिया हम लोग को, सहारा दे करके बेसहारा कर रहा है, हम लोग पैसा एक एक रुपया जमा किए हुए थे, आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला, वो बोल करके के गए कि जैसे ऑनलाइन कीजिए, ये किए वो किए, 10-10 हज़ार रुपया भी भेजेंगे, कहाँ आज तक दिया है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, हम लोग को 1-1 हज़ार रुपया ऑनलाइन करने में रुपया खर्चा, वो भी बुर गया। सांसद आते हैं आपके यहाँ? कोई नहीं, कौन सांसद पहचानबो नहीं करते हैं, आज 10 साल से है। हाँ महाराज, आजाद निषाद को नाम सिर्फ जानते हैं, पहचानते भी नहीं है, एको बार अगर गांव में कोई बता देते, बच्चा जो 18 वर्ष से ऊपर का है युवक, फोटो कहीं बता देना, कहीं फोटो जो कौन सा है अजय निषाद कौन है, नाम सिर्फ जानते हैं, चेहरा से आज तक हम लोग जन्मो नहीं करते हैं। चेहरा से नहीं जानते हैं, 10 सालों से यहाँ के जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है अजय निषाद, उनको लोगों का कहना है कि हमने उनको नहीं देखा है, हम उनको नहीं जानते हैं, विकास तो बहुत दूर की बात है, आज भी हम लोग चचरी पर चलने को मजबूर है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग चचरी के सहारे चलते हैं, उस पर भी हमें पैसा देना पड़ता है, तो फिर एक कैसा विकास हुआ। और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। और आज में रहते हैं 75 साल हो गए आजादी के, क्या कुछ मिला अभी तक आप लोग? कुछ नहीं मिला। बीजेपी का सांसद 10 वर्ष से है अजय निषाद, देखे हैं कभी उनको? कभी नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं? कभी नहीं। कितना विकास किया और आज में? कुछ नहीं विकास हुआ, नहीं हुआ विकास, कुछ विकास नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, बदलाव चाहते हैं? पूरा बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा? बदलाव होगा। सड़क की स्थिति भी आपके यहाँ बहुत काफी खराब है सड़क का, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी बीजेपी के ही है, बीजेपी के ही है, लेकिन कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, किसी जो जैसा लोगों का कहना है कि 10 साल से लगातार बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के विधायक है, बावजूद इसके आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी लोग जो है वह चचरी पुल पर चलने को मौजूद है, और लोगों का कहना है कि इस बार जो है बदलाव होगा, और भी लोग हैं हाट में सब्जी खरीदने पहुँचे हैं लोग, हम उनसे भी बात करेंगे। और राय में कितना विकास हुआ है भैया? और राय में विकास जो हुआ है ना, और राय में तो जिला हो गया, थाना हो गया, और आए हम लोग का घर मिश्र लिया हुआ, समझे, उसके बाद तो विकास हमको लगा गांव घर में घर द्वार रास्ता उस्ता नहीं है उतना, समझे कि नहीं, यहाँ देखते हैं जो रास्ता बहुत ख़राब है, समझे कि नहीं, इसके लिए होना चाहिए रास्ता, और कोई बात नहीं, विकास होना चाहिए ना। हाँ सही बात, विकास होना चाहिए। 10 साल से बीजेपी के सांसद है अजय निषाद, आप चिंता हैं उनको? कभी मिले हैं उनसे? नहीं, उनसे तो नहीं मिले, हिसाब से लोगों का आरोप है कि वो कभी आते ही नहीं है, हमने देखा है। कहाँ आते हैं अभी, वो देखे भी नहीं है, हम पहचानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है जी। विकास होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्या, इस बार जनता क्या बदलाव करेगी? चुन के करेगा, जो अच्छा होगा उसके पास जाएगा, उसको वोट देगा, हो गया, अच्छे के पास जाएगा जी, अच्छे के पास जाएगा। लोगों का कहना है कि अच्छे लोगों के पास जाएंगे, जो यहाँ का विकास करेगा, जो आम लोगों के बीच रहने वाला होगा, ऐसे लोगों को हम लोग वोट करेंगे। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वह चुनावी तैयारी में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज हम भी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के औराई में पहुँचे थे, जहाँ हमने जानने की कोशिश की कि आखिर औराई में कितना विकास हुआ है जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, और भी कुछ लोग हैं, औराई में कितना विकास हुआ है, रोड रास्ता का क्या हाल है औराई का? क्या हम कहें, और आए के रोड रास्ता का क्या हाल है, विकास हुआ है, बना है रोड रास्ता? ठीक है, ठीक है, बना बना। क्या चाहते हैं आप लोग, निषाद ही या फिर और कोई? निषाद ही और ठीक है, धान उपज रहा है, कैसे ना विकास हुआ है? और भी लोग हैं, हम बात करेंगे, कितना विकास हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग के गांव में बढ़िया से गहूँ दह गया, उसको जर्सीमन दे सरकार। अच्छा। हाँ यही चाहते हैं। अजय निषाद से मिले हैं कभी? कहाँ मिले हैं, वो आया है मगर कभी नहीं, कुछ जीत के जाता है भी नहीं करता है। अच्छा। हाँ वो नहीं आता है। आज आज़ादी का इतना दिन हो गया, आप लोग तो बहुत पुराने हो गए। हाँ, आज तक आप लोगों को न पुल मिला, न सड़क मिला, न तो क्या क्या चाहते हैं? हम लोग के बहुत 2004 में हम लोग नैया से मुजफ्फरपुर जाता है, मोदी जीता है तो साला हाईवे बना दिया है। अच्छा। हाँ वैसा सरकार कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। इस बार क्या लगता है?
हम लोग इस बार क्या लगे, इस बार क्या लगे? इस बार भी मोदी आएगा, मोदी आएगा, हाँ मोदी आएंगे। हालांकि स्थानीय जो है लोग, स्थानीय लोग जो है उनसे लोग नाराज दिख रहे हैं, लेकिन मोदी की जय जयकार जो है वह हर जगह हो रही है। कुछ और युवा लोग हैं कुछ बात करने के लिए, क्या कहेंगे और आई का और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। चाचा आप लोग बहुत पुराने लोग हैं और आई में जो है 10 साल से बीजेपी के सांसद है, रास्ता नहीं बना, पुल नहीं बना, आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत स्थिति गड़बड़ है, ठेकेदार सब लूट के चल जाए चाहिए। तो क्या आप लोग इस बार चाहते हैं कि वही सरकार रहेगा या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा अमरीकी, बदलाव होगा, बदलाव होगा। लोगों का कहना है कि बदलाव होगा इस बार, लेकिन बदलाव आखिर क्या होगा, किस स्तर पर होगा, यह सोचने वाली बात होगी कि बदलाव आखिर क्या होगा, क्या होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए। 10 साल से सांसद अजय निषाद है, लोगों का आरोप है कि वो उनको कभी देखा नहीं, तो उनको आना चाहिए, जनता के बीच में आएगा तभी ना जनता जानेगा कि जीत के चले जाने के बाद में जनता क्या समझेगा जो क्या हुआ। मान लीजिए जो काम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सही है गलत है, वो तो आदमी को भी नज़र में आना चाहिए और जो संसद है उसको भी नज़र में आना चाहिए। तो कहाँ आता, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला कोई नहीं, देखने वाला नहीं। कितना विकास, तो देखिए ना, घूमिए ना, ये तो देखिए कितना, अभी यदि बरसात आ जाएगा तो ये देखिए इतना इतना गड्ढा, इसमें बाजार लगेगा नहीं लगेगा है? तो आज भी आप लोग चचरी पुल पर चलने को मजबूर है, मजबूरी है, क्या करें, यहाँ मजबूरी का नाम महात्मा लगता है कि इस बार बदलाव जनता चाहती है, बदलाव होगा, एक बार बदल के देखते हैं, 5 साल मौका देकर, मौका तो देना ही चाहिए, मौका एक बार दे के देख। लोगों का कहना है कि मोदी सही काम कर रहा है, मोदी जी तो सही काम सही कर ही रहा है। फिर स्थानीय में तो उन्हीं का जो है विधायक है, सांसद है, सब बीजेपी के ही हैं, तो फिर उनको बदलाव करेंगे तो मोदी जी का बदलाव होगा। अरे जो भी हो, लेकिन सरकार तो मोदी रहेंगे ना, तो हम लोग का सबसे बड़ा मोदी जी पर भरोसा है। आप लोगों को स्थानीय सांसद से परेशानी है ना कि मोदी जी से? नहीं, मोदी जी से कोई परेशानी नहीं, सांसद से परेशानी है, सांसद से परेशानी, स्थानीय सांसद से परेशानी है ना कि मोदी जी से परेशानी है। हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वह चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है। हम आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के औराई पहुंचे थे और लोगों से जानने की कोशिश की कि 10 साल से लगातार बीजेपी के जो है सांसद यहां पर है, कितना विकास हुआ है। लेकिन लोगों का यहां सीधे तौर पर आरोप है कि 10 साल से जो है यहां के वर्तमान सांसद अजय निषाद, उनको लोगों ने देखा तक नहीं है और विकास तो बहुत दूर की चीज है। आज भी यहाँ के लोग जो है वह चचरी पुल पर चलने को मौजूद है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आने वाले चुनाव में इसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिलेगा। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से